यह है टार्टरी, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड, नींबू का सत भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये है नींबू का सत, और ये मार्केट में कुछ इस तरह का आता है, इसका हम पाउडर बना लेंगे। और ये है कलर, रेड कलर, ठीक है, खाने वाला। और ये है खट्टा मसाला, तो इसकी क्वांटिटी अभी हम निकालते हैं, आपको बताएंगे। ये देखिए, ये है पीसी हुई शुगर पाउडर, और ये है अनारदाना का पाउडर। तो अनारदाने को हमने पीस करके इस तरह से तैयार कर लिया है, तो ये अनारदाने का पाउडर है। ये खट्टा और अच्छा होता है हेल्थ के लिए, खाने में स्वादिष्ट होता है और पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। खाने के बाद खाने से पौष्टिकता बढ़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो टार्टरिक होती है ना, नींबू का सत बोलते हैं जिसको हम राजस्थान में, तो नींबू के सत का मैंने पाउडर बना लिया। यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझे सिखा रही है, क्योंकि शादी विवाह के अंदर हम लोग क्या है कि खाटा और छुरी घर पे बनाते हैं। तो ये टार्टरी, और ये है, ये देखिए, ये जो पिपरमट होती है पान में जो डालते हैं ना पीपरमट, इससे खाटा और छुरी दोनों टेस्टी भी बनते हैं, और जो मुंह में थोड़ी ठंडक सी भी लगती है, और पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। ये पाचन शक्ति बढ़ाती है, ये जो पीपरमट होती है ना पाचन शक्ति बढ़ाती है। और ये रेड फूड कलर, तो सबसे पहले जो शुगर पाउडर हमने तैयार किया है उसके अंदर ये डालेंगे अनारदाने का पाउडर। जो अनार का दाना होता है मार्केट में सूखा मिलता है अनारदाना, उसको हमने पीस करके तैयार किया। तो 1 kg शुगर पाउडर के अंदर 250 ग्राम अनारदाने का पाउडर डाला, और 50 ग्राम नमक डालेंगे। तो 25 ग्राम सफ़ेद नमक और 25 ग्राम काला नमक, दोनों नमक हम डाल देंगे। तो यहाँ पे सादा नमक और काला नमक, दोनों नमक मेरी सासू माँ ने डाल दिए हैं। इसके बाद होता है खाटा मसाला, खाटे के अंदर यूज करने के लिए खाटा मसाला भी होता है। तो ये जो काली पिंपल होती है, काली पिंपल, इलायची, लौंग और दालचीनी और जीरा से बनाया हुआ खाटा मसाला होता है। उसके बाद नींबू का सत और पिपरमट का पाउडर जो हमने पाउडर के रूप में तैयार कर लिया, उसको थोड़ा कूट करके और इस तरह से कर लिया है। मैं अभी इसमें थोड़ा ही यूज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है थोड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें आधा यूज करेंगे और आधा रख लेंगे। ये इतना एक बार रख लेते हैं। अब ये है ऑरेंज, मतलब रेड फूड कलर, और ये हमने लिया है ये वाला, आप देख सकते हैं ये रेड फूड कलर आता है, तो इसी से जो आपके अनारदाने का जो कलर है वो प्यारा आएगा। ये लो, सूखा कलर मिला सकते हैं आप चाहे तो, इसको पानी में घोल करके, पानी जो यूज करेंगे वो बॉयल किया हुआ पानी यूज करेंगे, तो ये सूखा कलर भी इसके अंदर डाल लेते और हैं। पानी गाल दे, मैं तो रुक के था, मैंने रह ही जाता। तो ये देखिए पानी जो है हम बस इसमें करो, घोल करके ऐसे और मिक्स कर लेंगे। अब गालो पानी। पानी जो हम यूज कर रहे हैं वो बॉयल किया हुआ है। और दे पानी, वो पतले से आंगली मथाड़ी मार लो, बस करो। जी बल तो ही पानी गालो मार सब, पच पानी बोलो चलो जाता है पानी को नहीं करना। हाँ, पानी की जरूरत लगी को नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी बिल्कुल थोड़ा डालना है, नहीं तो चीनी क्या होती है पानी छोड़ देती है और आपका जो सारा बैटर है वो गीला हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना, आपको पहले बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है, और डो को एकदम से टाइट टाइट सांद करके तैयार करना है। कलर देख सकते हैं आप, तो देखिए इस तरह से हमने पूरे डो को तैयार कर लिया है, शुगर और अनारदाने के सारे मसाले को। और उसके बाद आपको देखिए जी, इस तरह से ये जैसे बंधने लायक हो जाए, एकदम टाइट टाइट सांध करके तैयार किया है, तो इसको आपको ढक करके लगभग 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे में क्या, चीनी जो होती है ना पानी छोड़ करके थोड़ी नमी आ जाती है इसके अंदर, और ये
खाटे की जो गोली होती है वो बांधने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने लिया एक बड़ी सी प्लेट और इसके अंदर नीचे फैला देंगे थोड़ा शुगर पाउडर, दाना शुगर भी डाल सकते हो आप काफ़ी जगह में, क्योंकि ये सरदार सर का मशहूर अनारदाने का खाटा हम लोग घर पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, नीचे ये तले में चिपके ना, इसके लिए हम थोड़ा चाहे तो आप बारीक जो हमारी शुगर होती है बारीक शुगर वो भी डाल सकते हैं, और चाहे तो शुगर का पाउडर भी नीचे तले पे आप फैला सकते हैं। तो देखिए मैं बारीक वाली शुगर भी इसके अंदर डाल के आपको बता देती हूँ, ये अगर आप शुगर नहीं पीस रहे हो, मैंने तो जब शुगर को पीसा था ना तो उसके अंदर से थोड़ा शुगर रख लिया था शुगर पाउडर और उसको फैला दिया है, और थोड़ा ये मैंने आपको शुगर के जो दाने हैं वो भी मैंने आपको दिखाए कि इस तरह से भी आप बना सकते हो। अब इसके बाद आपको बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ। जब अच्छे से डो पूरा भीग जाए ना, शुगर जो है अच्छे से एकदम से सॉफ्ट हो जाए, तो अब हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसका जो मैं बाटी आपको हाथों से बना करके दिखा रही हूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है और इस तरह से जो अनारदाने के बाटी होते हैं वो हथेले की सहायता से आप बना लीजिएगा। आप चाहे तो छोटी छोटी गोल यानी बोल बना करके भी अनारदाने का खाटा बना सकते हैं, तो बोल के टाइप में भी बनाया जाता है, बेल करके भी इसको कट किया जाता है, तो आप चाहे तो बेल करके भी कट कर सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। तो ये फटाफट में बन जाएगा, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे लगेंगे हमें। तो हम लोग सब इसको बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बनाने के बाद ये कैसे होता है। इसको हम इसी तरह से जो थाली के अंदर ना फैला करके सुखा लेंगे, और इसको धूप में कभी नहीं सुखाया जाता है, इसको छांव में रखना चाहिए। धूप में क्या होती है कि शुगर मेल्ट हो जाती है, और उसकी वजह से हम इसे धूप में कभी नहीं सुखाते, ठंडी जगह में यानी छांव में या पंखे तले हम इसको सुखा लेते हैं। तो इस तरह से आप बोल की टाइप में भी इसको तैयार कर सकते हो। तो ये जो अनारदाने का खट्टा था टेस्ट में अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा और ठंडा, क्योंकि अनार जो होती है ना उसको सुखा करके उसके पाउडर से ये खट्टा तैयार किया जाता है, तो बहुत ही अच्छी होती है। तो बोल बनानी हो, ऐसी गोली बनानी हो, तो आपको अंगुलियों की सहायता से बना लेनी है, फटाफट में बन जाती है। और अगर आप बाटियाँ बना रहे हो तो हथेली की सहायता से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी बोल्स और बाटियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं, और इसको हम छांव में ही सुखा लेंगे। तो बस तले में आपको थोड़ा सा शुगर पाउडर या शुगर फैलानी है, उसके बाद सारी इस तरह से तैयार करके सुखा लेने हैं। तो ये मेरे तो जो खाटे हैं वो 1 दिन में ही सूख करके तैयार हो गए हैं, जो मैंने शुगर पाउडर फैलाया था तो ये थोड़ा थोड़ा उस पर कोट भी हो गया है, तो बहुत ही अच्छे से सूख करके आप देख सकते हो तैयार हो गई है। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए, ध्यान रखिए, देखिए जो कंटेनर होता है ना वो एयर टाइट होना चाहिए ताकि इनमें कभी नमी नहीं आए, नमी आने से फिर ये जो खट्टा पानी छोड़ देता है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। और खाने के बाद इसको राजस्थान में काफ़ी पसंद किया जाता है, खाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी सौंफ की चोरी बनाने का एकदम से आसान तरीका। तो आप देख सकते हो ये सौंफ है, इसको कैसे सेकना है, इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है मीठी सौंफ बनाने के लिए। कलरफुल सौंफ जो होती है राजस्थान में ये फेमस है चूरी के नाम से, सौंफ की चूरी कैसे बनाते हैं, तो आज हम वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसी के साथ में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिया है 3 kg सौंफ, और इसको अच्छे से साफ भी कर लिया है, और अब इसको आती है सेकने की बारी। तो सेकने के लिए आपको पहले जो ये पैन होता है ना उसको गर्म कर लेना है, और उसके बाद आपको सौंफ डालना है। तो आधा आधा केजी के लगभग हम सौंफ डाल करके इसको सेकेंगे। तो सेकने के लिए आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो सौंफ क्या है कहीं कुछ सौंफ सीख जाती है और कुछ जल जाती है और कुछ कच्ची रह जाती है। तो चलाते हुए हम इसको लगभग 15 मिनट तक सेक लेंगे, और वो भी एकदम स्लो फ्लेम पे। तो देखिए ये अच्छे से सीख चुकी है, सीखने के बाद इसका रंग चेंज हो जाता है, देखिए काफ़ी इसका इस गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाता है। और इस तरफ हमने लिए चूना, तो चूने की 5 ट्यूब लेंगे, और इनको हम खोल करके एक कटोरी में निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ हमने लिया कत्था, तो ये कत्था जो होता है ना मार्केट में मिलता है, ये हमने लिया 50 ग्राम कत्था, 3 किलो सूफ की चूरी बनाने के लिए 50 ग्राम कत्था है, और 50 ग्राम के लगभग ये जो चूने की 5 ट्यूब ली है। तो दोनों को हम बॉयल पानी में भिगोएंगे, तो इसमें से हम चूना निकाल लेते हैं एक कटोरी के अंदर, और ये कत्थे को हमने कूट करके तैयार कर लिया है।
तो दोनों के अंदर हम डालेंगे बॉईल किया हुआ पानी। तो टोटल हम 1 लीटर के लगभग पानी बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि सौंफ को भिगाने के लिए आपको 1 लीटर पानी की ज़रूर आवश्यकता है। वैसे तो टोटल पानी 1.5 लीटर चाहिए होता है, पर 0.5 लीटर पानी क्या होता है, शुगर जब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे तो शुगर जो है पानी छोड़ देंगी, तो वो पानी प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर लेती है सौंफ। तो 1 लीटर पानी यहाँ पे आप देख सकते हो बॉईल हो चुका है। तो उस पानी थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले कत्था तैयार करेंगे, तो आप जैसे ही उबलता पानी डालेंगे कत्था जो है इस तरह से इसके अंदर घुल करके तैयार हो जाएगा। तो ये घोल हमें सबसे पहले बना लेने होते हैं सौंफ को सेकने के बाद में। तो कत्था अच्छे से घुल चुका आप देख सकते हो। इसको आपको स्पून की सहायता से बिल्कुल अच्छे से घोल लेना है कि कोई भी बड़ा पार्ट ना रह जाए। और उसके बाद वही बॉईल किया हुआ पानी हम डालेंगे चूने के अंदर। चूने को भी हमें इसी तरह से घोल करके तैयार करना है। पहले हमारी जो दादी नानी होती थी ना, घर में चूना रखती थी एक मटके के अंदर, और उसमें से वो चूना यूज कर लेती थी। आजकल तो घर में कोई रखता नहीं है, तो मार्केट से हम ट्यूब्स लेकर आते हैं। जब हमें सौंफ की चूरी बनानी होती है, यानी मीठी सौंफ बनानी होती है, तो हम मार्केट से जो चूना लेके आते हैं और उसके बाद इस तरह से इसको घोल लेते हैं। और ये सौंफ अच्छे से सीक चुकी है, ठंडी भी हो गई है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर चूने का पानी मिलाना है। तो 0.5 लीटर के लमसम चूने का पानी है, तो इसको हमें छान करके ऐसे डाल देना है ताकि जो चूने का मोटा पार्ट हो ना, वो इसी के अंदर रह जाए छकनी के अंदर। तो थोड़ा सा पानी पतीले को धो करके और डाल देते हैं। और अब फिर चम्मच की सहायता से या फिर आप हाथों की सहायता से अच्छी तरह से ये जो चूने का पानी है ना, सौंफ के ऊपर लगना चाहिए। जो हमारी पूरी सौंफ है, टोटल इस चूने का जो पानी है ना, उसके ऊपर लगना चाहिए, तभी इसके अंदर अच्छा कलर आता है कत्थे का और अच्छी टेस्ट भी आता है। और चूना, आपको पता है चूना कैल्शियम से भरपूर होता है, इसलिए दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है सौंफ। दांतों में प्रॉपर कैल्शियम की जो कमी होती है ना, वो ये पूर्ति करता रहता है। तो खाने के बाद ज़रूर आप इस सौंफ का इस्तेमाल करें, इससे आपकी जो पेट की पाचन शक्ति है वो भी दुरुस्त होगी। और मुखवास के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि मुंह को साफ रखती है सौंफ। तो इसके अंदर होता है कत्था, चूना, पीपरमट और शुगर, और पान के जो हरे पत्ते होते हैं उनको सूखा करके भी डाला जाता है, और कुछ लोग तो कड़ी पत्ते भी डालते हैं छोटे छोटे तोड़ करके, और चिरमी के पत्ते आते हैं मार्केट के अंदर, वो भी डाले जाते हैं। तो ये देखिए, चूने को अच्छी तरह से लगभग 10 मिनट तक स्पून की सहायता से मिला दिया है। जब चूना अच्छी तरह से सौंफ में मिल जाता है ना, उसके बाद कत्थे का पानी डाला जाता है। तो 0.5 केजी चूने का पानी था और 0.5 लीटर ही कत्थे का पानी होगा। इसको डाल करके पूरा पहले अच्छे से लगभग 1/2 घंटे के अंतराल में दोनों पानी को मिक्स किया जाता है। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो चूना हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो ये कत्थे का पानी भी छान करके डाल देंगे। पतीले को धोकर के थोड़ा सा सादा पानी और डाल देंगे, और उसके बाद में क्या होता है, हाथों से इसको मिक्स करना चाहिए। हाथों से ये प्रॉपर प्रत्येक सौंफ के दाने पे जो कलर चढ़ जाता है, और आपकी मीठी सौंफ बहुत ही कलरफुल और गजब बनती है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी। सभी के अंदर जो है ना, दोनों का टेस्ट बराबर आना चाहिए। तो इसी तरह से इसको मिक्स किया जाता है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, घर बैठे कोई भी बना सकता है। और इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी लिख दूंगी कि चूरी के अंदर क्या क्या डाला जाता है और क्वांटिटी कितनी होती है, और जो खट्टा मसाला खट्टा होता है अनारदाने का, उसके अंदर क्वांटिटी कितनी होती है और क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं। तो सभी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप देखिए, काफ़ी देर हो गई है इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, चूने और काथे को सौंफ में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो आपको यूज करना है चीनी को।
चीनी साबुत ली है, आप चाहे तो पीसी हुई चीनी का पाउडर यानी शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और इससे पहले थोड़ा सा कलर डाल देंगे क्योंकि उसमें थोड़ा कलर कम आया है। कत्थे का जो कलर है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा लाइट कलर है, तो थोड़ा इसको डार्क कलर करने के लिए मैंने थोड़ा कलर का यूज किया है। तो रेड फूड कलर यहीं पे हम यूज कर रहे हैं, जो कि हमने अनारदाने के खाटे में यूज किया था वही रेड फूड कलर हम सौंफ की मीठी सौंफ को बनाने में भी यूज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ फैलाते हुए आपको ऐसे कलर डालना है और फिर हाथों से मसल मसल के सौंफ को तैयार कर लेना है, यानी कलरफुल सौंफ तैयार करनी है। लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर शुगर। तो अब यहाँ पे हमने ये शुगर ली है, 2 kg से 2.25 kg तक आप चीनी का यूज कर सकते हैं 3 kg सौंफ के लिए। तो यहाँ पे हमने 2.25 kg के लगभग जो है शुगर लिया है, और जो आप मार्केट से लेकर आती हो ना उसके अंदर बराबर की शुगर डाली हुई थी, यानी 3 kg सौंफ के अंदर वो लोग 3 kg ही शुगर डालते हैं, पर हमें ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए इसलिए हमने 2.25 kg ही शुगर का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद अच्छे से शुगर को मिला करके इस तरह से आपको जमा देना है और फिर ढक्कन लगा करके धूप में इसको छोड़ देना है। तो अभी हम इसको धूप में छोड़ देंगे लगभग 4 से 6 घंटे के लिए, बीच बीच में स्पून से इसको ऊपर नीचे करेंगे क्योंकि शुगर पानी छोड़ देती है और पानी को आपको ऊपर नीचे करना होता है ताकि पूरी सौंफ के अंदर जो चीनी का पानी है ना वो सौंफ पी करके तैयार हो जाए और सौंफ सॉफ्ट भी हो जाती है। तो देखिए 2 घंटे इसको अच्छी तरह से मैंने छोड़ दिया और इसके बाद मैं अब इसको खोलूँगी और खोलने के बाद मैं इसको ऊपर नीचे कर दूंगी। जो सौंफ है हमारी, इसका जो पानी हुआ है शुगर का, उसको आपको ऐसे ऊपर करना है। तो इसी तरह से 2 से 4 बार आपको है ना चम्मच से स्पून से इसको ऊपर नीचे कर देना है ताकि शुगर जो है पी करके जो सौंफ अच्छे से तैयार हो जाए, मीठी सौंफ तैयार हो जाए। तो ये सौंफ क्या है कि सॉफ्ट भी हो जाती है और पानी पी करके, मीठा पानी पी करके और मीठी भी हो जाती है। तो आपको इसको 2 से 3 बार ऊपर नीचे करना है, उसके बाद में आपको इसको किसी भी प्लास्टिक पे फैला देना है सूखने के लिए। तो 4 से 6 घंटे तक इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही टब के अंदर और कवर करके रखते हैं। इसके बाद में इसको प्लास्टिक पे फैला करके सुखा लेते हैं। तो कपड़े के बजाय प्लास्टिक पे फैलाते हैं तो ये जल्दी सूखती है और इसका जो कलर भी है ना ख़राब नहीं होता है। कलर भी कपड़े पे फैलाएंगे तो कपड़े के कलर चिपक जाएगा, ये थोड़ी लाइट कलर की होगी, और प्लास्टिक पे फैलाएंगे तो कलर भी ख़राब नहीं होगा और अच्छे से सूख भी जाएगी। तो इस तरफ आप दूसरी तरफ देखिए, मैंने इसको प्लास्टिक पे अच्छे से फैला दिया है, 2 से 3 दिन तक अच्छे से इसको सुखाएंगे। कलर देखिए कितना प्यारा आया है। तो वहाँ पे अंदर में अंधेरा था जहाँ पे मैं इसको सुखा रही थी, तो मैंने बाहर लाके आपको इसको दिखाया कि किस तरह से कितना प्यारा कलर आया है। और अब मैं इसको सुखा लेती हूँ 2 से 3 दिन, उसके बाद में मैं दिखाऊँगी कि हमारी जो सौंफ है मीठी कैसे बनकर तैयार हुई है।